नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आस्था जोशी एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पिछली वाली क्लास में हमने हेड एंड थॉरेक्स पढ़ा था। थॉरेक्स के हमने पार्ट्स भी पढ़ लिए थे, लेग्स भी पढ़ लिए थे एंड विंग्स भी पढ़ लिए थे। लेग्स के हमने टाइप्स पढ़ लिए थे, किस इंसेक्ट में कौन सा लेग होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। विंग्स पढ़ लिए थे, विंग्स की कपलिंग भी पढ़ ली थी। तो हमने इंसेक्ट जो था हम उसका हेड वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, आईज देख चुके हैं, एंटीना देख चुके हैं, माउथ पार्ट्स देख चुके हैं। हेड वाला पार्ट कवर हो गया। हम थॉरेक्स वाला पार्ट भी कवर कर चुके हैं। थॉरेक्स वाले पार्ट में हमने 3 पेयर्स ऑफ लेग्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। हमने 2 पेयर्स ऑफ विंग्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। थॉरेक्स 3 पार्ट्स में होता है, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स, हमने ये भी पढ़ लिया। ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे इंसेक्ट के कंप्लीट हो गए, ठीक है। आज हम एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था इंसेक्ट की बॉडी जो होती है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड और थॉरेक्स ही हमने डीप स्टडी कर ली। अब हम एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। एकदम एब्डोमेन वाला जो पार्ट है इसकी अब हम डीप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये एब्डोमेन का डायग्राम है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले तो एब्डोमेन जो होता है ये लास्ट सेगमेंट होता है इंसेक्ट की बॉडी का, और ये 11 सेगमेंट्स से मिलकर बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। एब्डोमेन जो होता है उसके 11 सेगमेंट्स होते हैं, 11 सेगमेंट्स से बनके ये बनता है पूरा एब्डोमेन। हर इंसेक्ट में 11 सेगमेंट्स ही होंगे, जो एक्सेप्शन होगा वो मैं आपको नीचे लिखवा दूंगी, ठीक है। अब देखिए, एक जो ये सेगमेंट है ये पर्टिकुलर 2 नंबर का जो सेगमेंट है, या 3 नंबर का सेगमेंट है, या 7 नंबर का एक सिंगल जो सेगमेंट है, एक सिंगल जो इकाई है, उस इकाई का नाम होता है यूरोमियर्स। उस इकाई का क्या नाम होता है? यूरोमियर्स। एक सिंगल इकाई का नाम होता है यूरोमियर्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था डॉर्सल साइड होती है जिसको हम बोलते हैं नोटम, पिछली वाली क्लास में भी मैंने बता दिया। पीछे वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल। वेंट्रल का दूसरा नाम क्या है? स्टर्नम। आगे वाली साइड को क्या बोलते हैं? डॉर्सल। डॉर्सल का दूसरा नाम है नोटम। पीछे वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल। वेंट्रल का दूसरा नाम क्या है? स्टर्नम। और मैंने आपको बताया था साइड वाला जो पार्ट होता है वो होता है लेटरल। लेटरल का क्या नाम है यहाँ पे? प्लूरॉन, ठीक है। लेटरल का क्या नाम है यहाँ पे? प्लूरॉन। अब थॉरेक्स में तो लेटरल साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। थॉरेक्स में मैंने आपको बताया था आगे वाला जो होता है वो डॉर्सल होता है जिसको हम नोटम बोलते हैं, पीछे वाला होता है वेंट्रल, ठीक है। और लेटरल जो साइड होती है वो थॉरेक्स में तो प्रेजेंट होती है, बट एब्डोमेन में वो एब्सेंट होती है। ये एग्जाम्स में नहीं पूछते, बट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि लेटरल का दूसरा नाम होता है प्लूरॉन, और लेटरल साइड एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं होती है, थॉरेक्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक सेगमेंट हो गया यूरोमियर्स। पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात करते हैं, अगर एक इकाई की बात करें हम एब्डोमेन की, एक सिंगल इकाई का क्या नाम होता है? यूरोमियर्स। आगे वाली साइड को बोलते हैं डॉर्सल जिसका दूसरा नाम क्या है? नोटम। पीछे वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल जिसका दूसरा नाम क्या है? स्टर्नम। अब देखिए, ये जो दो इकाइयाँ हैं, इकाई नंबर 6 एंड 7, इन दोनों को जो जॉइन कर रहा है ना, जो जोड़ रहा है, उस जुड़ाव का क्या नाम होता है? कंजक्टिवा। जैसे ये 6 नंबर है और ये 7 नंबर है, इनको जो जोड़ रहा है बीच में, सपोज ये जोड़ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? कंजक्टिवा होगा इसका नाम। तो 6 और 7 नंबर के बीच वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला रीजन यहाँ पे, ये वाला रीजन, इसका क्या नाम होगा? कंजक्टिवा। दो यूरोमर्स को, दो इकाइयों को जो जोड़ेगा, उस जोड़ का क्या नाम होगा? कंजक्टिवा।
ठीक है, ये नाम्स हैं, ये लर्न करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप धीरे धीरे रिवाइज करते जाएंगे ना, एक एक दिन छोड़ के एक दिन रटेंगे तो याद नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप एक दिन छोड़ के एक दिन उसको बार बार आंखों के सामने से निकालते जाएंगे, अपने आप लर्न हो जाएगा। 4-5 बार ऐसा करेंगे, जब आप 6th बार रिवाइज करेंगे आप, आपको अपने आप याद होगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही लर्न किया है। देन आते हैं स्पायरेकल्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि थोरेक्स में भी लेटरल साइड में स्पायरेकल्स होते हैं। स्पायरेकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट की बॉडी उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सांस लेने के काम में आते हैं। सांस लेने को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो स्पायरेकल्स छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि सांस लेने के काम में आते हैं। किस काम में आते हैं? रेस्पिरेशन के काम में आते हैं। सरफेस, सरफेस यानी ऊपर से, और रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। तो स्पायरेकल्स क्या काम आते हैं? सरफेस रेस्पिरेशन के काम में आते हैं इंसेक्ट के। कहाँ होते हैं ये? एब्डोमन पे भी होते हैं और थोरेक्स पे भी होते हैं। थोरेक्स की तो लेटरल साइड पे होते हैं, और एब्डोमन की क्योंकि लेटरल साइड होती ही नहीं है। अभी यहाँ पे हमने देखा है कि लेटरल जिसका नाम होता है प्लूरॉन वो एबसेंट है। थोरेक्स पे तो लेटरल साइड थी, इससे पिछली वाली क्लास आप देखें, थोरेक्स पे तो लेटरल साइड थी, इसलिए लेटरल साइड पे स्पायरेकल्स छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट थे रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन एब्डोमन पे कोई लेटरल साइड प्रेजेंट ही नहीं होती है, इसलिए ये जो स्पायरेकल्स हैं ये सरफेस पे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, यहाँ ऐसे इधर प्रेजेंट होते हैं। और थोरेक्स में कहाँ थे? यहाँ साइड में थे। ठीक है, तो स्पायरेकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? सरफेस रेस्पिरेशन। ये छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि सांस लेने के काम में आते हैं। ये था पूरा एब्डोमन का स्ट्रक्चर जो हमने देख लिया। एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? यूरोमियर्स। सिंगल इकाई को क्या बोलते हैं? यूरोमियर्स। ऐसी टोटल कितनी इकाई होती हैं? 11 होती हैं। एब्डोमन 11 इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। एक सिंगल इकाई का क्या नाम होता है? यूरोमियर्स होता है। दो इकाइयाँ किससे जुड़ के बनती हैं? उस बॉन्ड का नाम, उस जुड़ाव का नाम क्या होता है? कंजक्टिवा। ये जैसे अगर ये यहाँ पे होगा तो इसको कंजक्टिवा बोल देंगे, इसको कंजक्टिवा बोल देंगे। ठीक है, 11 सेगमेंट्स हो गए। एक सेगमेंट का नाम यूरोमियर हो गया, ये जिससे जुड़े हुए रहते हैं वो कंजक्टिवा हो गया। आगे वाला पार्ट हो गया डॉर्सल। इंसेक्ट बॉडी, जैसे ये हमारी बॉडी है, इसके फ्रंट वाला आगे वाले पार्ट का क्या नाम होगा? डॉर्सल। डॉर्सल का दूसरा नाम होता है नोटम। पीछे वाला बैक साइड जो होगी उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल। वेंट्रल का दूसरा नाम होता है स्टर्नम। साइड वाला लेटरल साइड जो होती है वो क्या होती है? एब्डोमन में एब्सेंट होती है, नहीं होती। तो लेटरल साइड का दूसरा नाम क्या हो गया? प्लूरॉन। हमने सबके दूसरे दूसरे नाम पढ़े हैं। डॉर्सल का पढ़ा नोटम, वेंट्रल का पढ़ा स्टर्नम, तो लेटरल का प्लूरॉन। और ये क्या होता है? एब्डोमन में एब्सेंट होता है। लेकिन थोरेक्स वाले पार्ट में लेटरल साइड प्रेजेंट होती है, लेकिन एब्डोमन में लेटरल साइड एब्सेंट होती है। ठीक है, हमने स्पायरेकल्स देख लिए, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि एब्डोमन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं इस तरफ, जो कि किस काम में आते हैं? सांस लेने के काम में आते हैं, रेस्पिरेशन के काम में आते हैं। अब क्योंकि ये सरफेस पे होते हैं, त्वचा पे होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? सरफेस रेस्पिरेशन इसका नाम दे दिया। यहाँ पे एब्डोमन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। जेनिटेलिया, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं इंसेक्ट के, किस सेगमेंट में होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देती हूँ। स्प्रिंग टेल्स जो होते हैं ये भी एक इंसेक्ट का नाम है। स्प्रिंग टेल्स जो होते हैं ये भी एक इंसेक्ट का नाम है। इनके अंदर जो एब्डोमेन होता है उसके 11 पार्ट्स नहीं होते हैं, उसके जो सेगमेंट्स हैं वो 11 नहीं होते हैं, उसके सिर्फ 6 सेगमेंट्स होते हैं। कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है एस से स्प्रिंग टेल्स, ठीक है, और एस से ही 6, एस से स्प्रिंग टेल और एक्स से ही 6। ईजी हो गया। स्प्रिंग टेल्स में कितने सेगमेंट्स होते हैं? 6 सेगमेंट्स होते हैं।
बाकी सारे इंसेक्ट्स में कितने सेगमेंट्स थे? 11 सेगमेंट्स थे। अभी बताया था एब्डोमन में बाकी सब इंसेक्ट्स के 11 सेगमेंट्स थे। स्प्रिंग टेल्स यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसका एब्डोमन में सिर्फ 6 सेगमेंट्स होते हैं, 11 सेगमेंट्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब मेल्स जो होते हैं, इंसेक्ट मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। ठीक है, मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो इंसेक्ट के अंदर कौन से, मेल इंसेक्ट के अंदर, यहाँ पे मेल की बात हो रही है, मेल इंसेक्ट के अंदर उसका जो सेक्सुअल ऑर्गन है जो कि उसके रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन से सेगमेंट में होता है? 8th सेगमेंट में होता है। ठीक है, 11 सेगमेंट्स थे, उसमें से 8वें नंबर का जो सेगमेंट होगा उसके अंदर मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, उसके प्रजनन के लिए जो ऑर्गन होता है मेल इंसेक्ट के अंदर वो एब्डोमन के 8वें सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये था मेल का। अब फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन होगा वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होगा रिप्रोडक्शन के लिए? 8th and 9th सेगमेंट। फीमेल में 2 सेगमेंट्स में होता है, 8वें सेगमेंट में भी होगा और 9वें सेगमेंट में भी होगा, बट मेल का सिर्फ 8th सेगमेंट में होता है। मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर इकाई का क्या नाम होता है? यूरोमियर होता है, और वो दो इकाइयाँ जिस बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं उसका नाम होता है कंजक्टिवा। जो भी उनके बीच में होता है जिससे वो जुड़ी हुई रहती हैं उसका क्या नाम होता है? कंजक्टिवा नाम होता है। मेल के अंदर जो सेक्सुअल उसका ऑर्गन है रिप्रोडक्शन जो करता है वो 8th सेगमेंट में होता है, मतलब 8वें यूरोमियर में होगा। फीमेल जो होती है उसका कहाँ होता है? 8वें और 9वें यूरोमियर में होता है। ठीक है, स्प्रिंग टेल्स जो होते हैं उनमें 11 सेगमेंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ 6 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनमें एब्डोमन के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टर्माइट की बात करते हैं। टर्माइट को क्या बोलते हैं? दीमक बोलते हैं। क्वीन टर्माइट, क्वीन यानी फीमेल, टर्माइट्स की भी कॉलोनीज होती है ना बहुत सारी, उसमें जो क्वीन की यहाँ पे बात हो रही है, क्वीन मतलब रानी, जो रानी वाली टर्माइट होती है, दीमक होती है, उसका जो एब्डोमन होता है ना वो क्या होता है? नीचे से थोड़ा सा, वो एब्डोमन नीचे से थोड़ा सा फूला हुआ होता है। फूला हुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वॉलन बोलते हैं। स्वॉलन को इंग्लिश में, फूले हुए को इंग्लिश में स्वॉलन बोलते हैं, और उस टाइप के एब्डोमेन का नाम होता है फाइसोगैस्टर। जो क्वीन टर्माइट होती है उसका जो एब्डोमेन होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा फूला हुआ होता है, स्वॉलन होता है। स्वॉलन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फूला हुआ, थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा बल्कि मोटा होता है, उसको क्या, उसका क्या नाम दिया है? फाइसोगैस्टर। क्वीन टर्माइट जो होती है उसका जो एब्डोमेन होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है नीचे से, इसलिए उस एब्डोमेन का क्या नाम दिया गया है? फाइसोगैस्टर। ठीक है, फाइसोगैस्टर नाम दिया गया, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फूला हुआ मतलब नीचे से थोड़ा सा मोटा होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि क्वीन टर्माइट का जो एब्डोमेन है उसका क्या नाम होता है? फाइसोगैस्टर नाम होता है। फाइसोगैस्टर क्यों बोला? क्योंकि नीचे से थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, एक तो ये एक्सेप्शन था, स्प्रिंग टेल्स एक्सेप्शन था, उसमें 6 सेगमेंट्स ही होते हैं एब्डोमेन के। एक ये क्वीन टर्माइट है, इसके एब्डोमेन का दूसरा नाम होता है फाइसोगैस्टर। ठीक है, अब एक और, जो एंट्स होती है ना, चींटियां होती हैं, उनमें क्या होता है? जो थोरेक्स का लास्ट सेगमेंट होता है ना वो एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट से फ्यूज्ड होता है। बताऊंगी मैं डायग्राम से आपको।
उसका क्या नाम होता है? प्रोपोडियम। यानी ये हेड हो गया चींटियों का, ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, ठीक है। ये थोरैक्स का प्रोथोरैक्स, ये मेसोथोरैक्स और ये लास्ट वाला मेटाथोरैक्स है, और यहाँ एब्डोमेन शुरू हुआ। तो क्या होगा कि ये एब्डोमेन का जो फर्स्ट सेगमेंट है ना, ये यहाँ फ्यूज्ड होता है। बेसिकली ये डायग्राम ऐसा नहीं होता, ये डायग्राम ऐसा होता है, ये हेड है, ये जो थोरैक्स है ना, इसमें ये ऐसे फ्यूज्ड होता है। यानी यहाँ पे सिर्फ प्रोथोरैक्स और मेसोथोरैक्स होगा, ठीक है, और ये जो एब्डोमेन है इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है वो यहाँ पे ऐसे फ्यूज्ड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। ये जो थोरैक्स है और जो एब्डोमेन है, चींटियों की बात हो रही है यहाँ पे, एंट्स की बात हो रही है, जो थोरैक्स है और जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन का तो पहली इकाई है ना, और थोरैक्स की ये प्रोथोरैक्स, ये मेसोथोरैक्स और ये लास्ट वाला मेटाथोरैक्स तो क्या हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है, ये ऐसे फ्यूज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो इसका, इस फ्यूज्ड स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है? प्रोपोडियम नाम होता है। मतलब ये हेड, ठीक है, ये थोरैक्स, इसके दो ही सेगमेंट्स होंगे, जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, फ्यूज्ड होगा ऐसे, और ये एब्डोमेन, यहाँ पे जो ये फ्यूज होता है इसका क्या नाम होता है, प्रोपोडियम नाम होता है। एंट्स जो होते हैं, एक जो ऐसे सिंगल सी, एक चींटियों में देखी होगी आपने, सिंगल से ऐसे एक लाइन सी बनी हुई होती है उनके थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में, उस लाइन का क्या नाम होता है, प्रोपोडियम नाम होता है। ऐसे होते हैं, ये एब्डोमेन हो गया, एक ये छोटी सी लाइन होती है, फिर इनका थोरैक्स शुरू होता है, फिर ऊपर सबसे ऊपर हेड होता है, और यहीं पे इनके लेग्स होते हैं, ठीक है। तो एंट्स का हमने पढ़ लिया कि एंट्स में जो थोरैक्स, वो थोरैक्स का थर्ड पार्ट और एब्डोमेन का फर्स्ट पार्ट दोनों फ्यूज्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपोडियम, और जो रेस्ट वाला पार्ट होता है उनका, उसको बोलते हैं गैस्टर। यानी कि ये हेड हो गया, ठीक है, यहाँ से ये एब्डोमेन शुरू हो गया, वो थोरैक्स शुरू हो गया सॉरी, और यहाँ ये एब्डोमेन शुरू हो गया। तो इस वाले पार्ट को तो हमने बोल दिया प्रोपोडियम, इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया प्रोपोडियम। यहाँ पे सिर्फ प्रोथोरैक्स और मेसो, प्रो एंड मेसो, यहाँ पे दो ही थोरैक्स होंगे, क्योंकि क्या हुआ, मेटाथोरैक्स तो फ्यूज हो गया और उसने प्रोपोडियम बना लिया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट था उसको हमने क्या नाम दे दिया, गैस्टर, ठीक है। जो एब्डोमेन का बचा हुआ पार्ट जो बाकी का रह गया उसका हमने क्या नाम दे दिया, गैस्टर नाम दे दिया। ये हेड था, ठीक है, ये थोरैक्स था, थोरैक्स के तीन पार्ट्स पड़े थे, लेकिन तीसरा पार्ट तो एब्डोमेन से फ्यूज्ड हो जाता है, यानी दो ही पार्ट बचते हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ पे होता है एब्डोमेन, जिसका क्या नाम है, गैस्टर नाम है, ठीक है। और ये बीच वाला जो है इसका, ये जो जुड़, ये जो मेटाथोरैक्स जो एब्डोमेन से सिंगल एक लाइन से बना ली, इसका क्या नाम है, प्रोपोडियम नाम है। तो एंट्स का यहाँ पे, जो एंट्स का जो एब्डोमेन होता है उसका जो एक टाइप है वो हमने यहाँ पे देख ली। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो होती हैं सिर्फ एंट्स में नहीं होती, ठीक है, ये डिक्टयोप्टेरा, जो भी डिक्टयोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं ना, उन सब में होती है, जो डिक्टयोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं उन सब के अंदर ये होती है, ठीक है। एक फिनेस्ट्रा भी होती है, वो भी डिक्टयोप्टेरा में होती है, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगी, अभी आपके लिए सिर्फ यही जानना ज़रूरी है कि एंट्स जो होते हैं उनका क्या बोलते हैं, प्रोपोडियम बोलते हैं, इस पार्ट को प्रोपोडियम बोलते हैं, और जो रेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं गैस्टर, ठीक है। यहाँ पे जो एब्डोमेन वाला पार्ट था वो फिनिश हो गया, हमने देख लिया कि जो जेनिटेलिया होता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, मेल में तो एट्थ सेगमेंट में होते हैं, फीमेल में एट्थ एंड नाइन्थ सेगमेंट में होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि
कि बताइए इंसेक्ट के सेक्सुअल ऑर्गन जो हैं वो कहाँ होते हैं, हेड में होते हैं, थोरेक्स में होते हैं कि एब्डोमेन में होते हैं, तो आप बता देंगे कि इंसेक्ट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है। मेल में कहाँ होते हैं, एट्थ सेगमेंट में होते हैं। फीमेल में कहाँ होते हैं, एट्थ एंड नाइन्थ सेगमेंट में होते हैं, मतलब फीमेल्स में दो सेगमेंट्स में होते हैं ये। फीमेल्स में कितने सेगमेंट्स में होते हैं, दो सेगमेंट्स में होते हैं ये, ठीक है। तो देखिए जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होंगी, समझ में नहीं आएंगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको हर दूसरे तीसरे दिन जो है उसका रिविजन आप देते रहें। जैसे एक दिन छोड़ के आपने एक दिन लेग्स का दे दिया, एक दिन आपने लेग्स रिवाइज कर लिए, है ना। और लेग्स के जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे कि सॉल्टेटोरियल यानी जंपिंग, वो ग्रास हॉपर में होता है, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, उसको एक बार पढ़ना है और वो रिवीजन आपको हर तीसरे चौथे दिन करना पड़ेगा। क्योंकि एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें इतने नेम्स होते हैं कि एग्ज़ाम में जब पूछते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पढ़ा हुआ तो लग रहा है लेकिन कौन सा टिक करना है ये समझ में नहीं आ रहा, और फिर वो एट लास्ट गलत ही होता है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना हो, ऐसा आप गलत नेगेटिव में ना जाएं, इससे बेटर ये रहेगा कि रटने के एक घंटे तक उसको बैठ के मुझे याद नहीं हो रहा उसको रटने से बेटर ये है कि आप हर तीसरे दिन उसको गो थ्रू करें, सिर्फ एक बार उसको पढ़ लें। हर तीसरे दिन एक बार उसको पढ़ लेंगे, जब आप 5-6 बार उसको एक एक बार पढ़ चुके होंगे तो 7वीं बार जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको अपने आप याद हो जाएगा कि यार इस लाइन के नीचे ये वाली लाइन है, इस लाइन के नीचे ये वाली लाइन है, ठीक है। और फिर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप नाम में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि एंटोमोलॉजी पूरा नेम बेस्ड सब्जेक्ट है, इतनी टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे डॉर्सल को नोटम बोलते हैं, वेंट्रल को स्टर्नम बोलते हैं, लेटरल को प्लूरॉन बोलते हैं, ये अभी क्लास आपको क्लास में तो याद रहेगा क्योंकि मैं समझा रही हूँ, क्लास तक तो याद रहेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेटरल को डॉर्सल को नोटम बोलते हैं, नहीं डॉर्सल को शायद स्टर्नम बोलते होंगे या प्लूरॉन बोलते होंगे, पढ़ा हुआ तो लग रहा है लेकिन याद नहीं है। तो ऐसा ना हो इसलिए आप रिवाइज करते जाएं। अब हम देखेंगे, एक साइकिल बताती हूँ मैं आपको, इंसेक्ट की साइकिल कैसे होती है। सबसे पहले एग, एग को क्या बोलते हैं हम, अंडा। इंसेक्ट्स जो हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है, एग्स। उसके बाद बनता है लार्वा, ठीक है। एग के बाद एग हैच, एग में से लार्वा हैच होता है, ठीक है। उसके बाद बनता है प्यूपा, और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है अडल्ट। ये इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले एग होगा, जो फीमेल होगी वो अंडे देगी, अंडों से हैच होने के बाद लार्वा निकलेगा, लार्वा से दोबारा मोल्ट होके प्यूपा बनेगा, प्यूपा से दोबारा मोल्ट होके अडल्ट बनेगा। मोल्टिंग, अभी आपको मोल्टिंग जस्ट चेंज इन फॉर्म, ठीक है। अभी जब हम मोल्टिंग वाले टॉपिक पे आएंगे तब मैं आपको पूरी मोल्टिंग जो होती है कैसे होती है, कब उसको क्या नाम होता है, किस टाइम पीरियड में होती है, कितने इंस्टार्स होते हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगी। लेकिन अभी सबसे पहले होता है एग, दूसरे नंबर पे आता है लार्वा, तीसरे नंबर पे आता है प्यूपा, चौथे नंबर पे आता है अडल्ट। अब ऐसा नहीं है कि लार्वा भी आएगा, कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है प्यूपा स्टेज आती ही नहीं है, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है प्यूपल स्टेज जो होती है वो आती ही नहीं है। कुछ इंसेक्ट्स में जो प्यूपल स्टेज होती है वो आती ही नहीं है। कुछ इंसेक्ट्स में जो प्यूपल स्टेज होती है वो नहीं आती। कुछ इंसेक्ट्स में लार्वल स्टेज नहीं आती। कुछ इंसेक्ट्स में अडल्ट स्टेज सब में आती है, बट कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में कभी तो लार्वल स्टेज मिस हो जाती है, कभी प्यूपल स्टेज मिस हो जाती है, ठीक है। लेकिन एग तो ऑब्वियसली बात है, एग ही नहीं आएगा तो लार्वा प्यूपा कैसे बनेगा। लेकिन जो बेसिक होता है ना, जो बेसिक लाइफ साइकिल होती है वो यही होती है, पहले एग आता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट। अब देखिए लार्वे का एक दूसरा नाम भी है, लार्वे का दूसरा नाम होता है यंग वन,
जो लार्वल स्टेज होती है ना उसका एक दूसरा नाम होता है यंग वन। यंग यानी कि छोटा, यंग यानी कि होता है छोटा, यंग का मतलब क्या होता है छोटा, और वंस यानी कि जो नए आए हैं उनको हम क्या बोलते हैं यंग वंस बोलते हैं। लार्वे को ही यंग वन बोला जाता है। एल्डर का मतलब होता है बड़ा, यंगर का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो लार्वा जो है उसका उसका दूसरा नाम होता है यंग वंस, ठीक है। ये तो था, अब मैं आपको यंग वंस के अलग अलग नाम बताऊंगी कि अलग अलग जो इंसेक्ट्स हैं उनके यंग वंस के अलग अलग नाम होते हैं, वो नाम क्या होते हैं वो मैं आपको अब बताऊंगी। लेकिन मेरे को मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि मुझे ये बताना था कि यंग वंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं सीधे यंग वन पे आ जाती तो आप समझते ही नहीं कि यंग वन क्या होता है। एग में से हैच होने के बाद, एग में से निकलने के बाद जो ऑर्गेनिज्म आता है, जो इंसेक्ट सामने आता है, उसका क्या नाम होता है, यंग वन होता है। यंग वन को लार्वा भी बोलते हैं। ये सेकंड स्टेज होती है, प्यूपा और अडल्ट की बात अभी नहीं हो रही है, अभी सिर्फ लार्वा की बात हो रही है। लार्वा का दूसरा नाम क्या होता है, यंग वन होता है। एग से निकलने के बाद क्या आता है, यंग वन आता है। अब अलग अलग इंसेक्ट्स में यंग वंस के अलग अलग नाम भी होते हैं, ठीक है। अब अपन क्या है वो नाम देखेंगे। सबसे पहले होता है मॉथ। मॉथ का जो यंग वन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। मतलब एग से हैच होने के बाद, एग में से निकलने के बाद जो ऑर्गेनिज्म, एग से जो इंसेक्ट एग से हैच होने के बाद निकलता है उसको हम यंग वन बोलते हैं, और मॉथ में उस यंग वन का नाम होता है कैटरपिलर, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ यंग वंस। न्यूली मतलब छोटे छोटे जो इसके बच्चे निकलते हैं मॉथ के, फीमेल मॉथ के, फीमेल मॉथ जब एग लेइंग कर देती है और उसके जो यंग वंस होते हैं उनका क्या नाम होता है, कैटरपिलर नाम होता है। तो ये था मॉथ। दूसरा टाइप का जो इंसेक्ट है वो है बटरफ्लाई, तितली, जो हम सब देखते हैं फ्लावर्स पे भी बैठती है उसको हम क्या बोलते हैं, तितली। इसके भी जो यंग वंस होते हैं इनका नाम भी कैटरपिलर होता है। इनका भी क्या नाम होता है, कैटरपिलर नाम होता है। मॉथ के यंग वंस का क्या नाम हुआ, कैटरपिलर। बटरफ्लाई के यंग वंस का क्या नाम हुआ, कैटरपिलर। नेक्स्ट हम बात कर देखिए, यंग वंस मैंने आपको बता दिए। यंग वंस क्या होते हैं, अंडे में से निकल के जो हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं यंग वंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रास हॉपर की। ग्रास हॉपर जो होता है उसके जो यंग वंस होते हैं उनका नाम होता है NYMPH। देखिए ये आपको ना लर्न करने हैं, लर्न करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी। हर तीसरे दिन उसको सिर्फ पढ़ लो, एक बार सिर्फ उसको पढ़ लो, हर तीसरे दिन पढ़ो, एक घंटे लेके नहीं बैठना, 5 मिनट में एक बार पढ़ा और हर तीसरे दिन पढ़ा, 7-8 बार ऐसा करोगे 9वीं बार लर्न हो जाएगा। मॉथ जो है उसका यंग वन हो गया कैटरपिलर, बटरफ्लाई जो है उसका यंग वन हो गया कैटरपिलर, ग्रास हॉपर जो है उसका यंग वन हो गया निम्फ। यंग वन मैंने आपको बता दिए, अंडे में से हैच होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा उसका क्या नाम होगा, यंग वन नाम होगा। अब हम बात करेंगे बग्स की। बग्स जो होते हैं इनका यंग वन क्या होगा, निम्फ। तो दो तो सिमिलर ही हो गए, निम्फ। ग्रासहॉपर को भी, ग्रासहॉपर के यंग वन को भी बोलेंगे और बग्स के यंग वन को भी बोलेंगे। कैटरपिलर मॉथ के यंग वन को भी बोलेंगे, बटरफ्लाई के यंग वन को भी बोलेंगे। यंग वन मैंने आपको बता ही दिए ये चारों। पहले तो आप ये जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो सबसे पहले तो आप ये चार रिवाइज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आप बाकियों को रिवाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्लाई की। फ्लाई का जो यंग वन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैगट। फ्लाई का जो यंग वन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैगट बोलेंगे। नेक्स्ट होता है बीटल एंड वीवल, उनके यंग वन को क्या बोलेंगे, ग्रब। बीटल एंड वीवल उसके यंग वन को हम क्या बोलेंगे, ग्रब बोलेंगे। इनका हिंदी में कोई नाम नहीं है, इनके यही नाम है
और आपको यही लर्न करने पड़ेंगे। मौत के यंग वन को बोलेंगे कैटरपिलर, बटरफ्लाई के यंग वन को बोलेंगे कैटरपिलर, ग्रास हॉपर के यंग वन को बोलेंगे निम्फ, बग्स के यंग वन को बोलेंगे निम्फ, फ्लाई के यंग वन को बोलेंगे मैगट, बीटल एंड वीवल के यंग वन को बोलेंगे ग्रब। यंग वन क्या होता है? एग में से हैच होने के बाद, एग में से निकलने के बाद जो भी निकलेगा उसको हम बोलेंगे यंग वन। बेसिकली उसका टेक्निकल टर्म होता है लार्वा, जो मैंने आपको अभी बताया, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। ठीक है, यंग वन का टेक्निकल टर्म होता है लार्वा, तो लार्वे को ही यंग वन बोलते हैं। मौत का, जब मौत अंडे देगी और उसमें से जो हैच आउट होगा उसका क्या नाम होगा? कैटरपिलर। जब बटरफ्लाई अंडे देगी उसका जो हैच आउट होगा वो भी कैटरपिलर होगा। ग्रास हॉपर देगा उसको हम बोलेंगे निम्फ। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर दो तीन और बच्चे हैं उनका मैं अभी आपको बताती हूँ। मॉस्किटो जो होता है उसके को यंग वन को हम क्या बोलते हैं? व्रिगलर। मॉस्किटो जो है उसके यंग वन को हम क्या बोलेंगे? व्रिगलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फ्लाइज की। ठीक है, कुछ फ्लाइज की हम बात करते हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, डैम्सल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एंड डैम्सल फ्लाई, इनके यंग वंस को बोलते हैं नेड्स। देखिए फ्लाइज का मैकेनिज्म जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। फ्लाई खुद तो टेरेस्ट्रियल होती है। टेरेस्ट्रियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो लैंड पे रहते हैं। टेरेस्ट्रियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो लैंड पे रहते हैं, जो धरती पे रहते हैं, उनका नाम, उनका इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। तो फ्लाइज हमने देखा है उड़ती रहती हैं, यही ज़मीन पे, अपने अर्थ पे, जो पानी में तो नहीं उड़ती, लैंड पे ही उड़ेंगी ना। तो ड्रैगन फ्लाई और डैम्सल फ्लाइज की जितनी भी फ्लाइज होती हैं वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, लेकिन ये अंडे पानी में जाके देती हैं। जो फ्लाइज होती हैं वो अपने एग्स जो होते हैं वो पानी में जाके देती हैं। तो इनके जो एग्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, और पानी में से जो यंग वंस हैच आउट होते हैं उनको बोलते हैं नेड्स। नेड्स का स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? ये एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में तैरते हैं। अपने कुछ एक जो लार्वल पीरियड होता है वो ये पानी में स्पेंड करते हैं, और प्यूपल पीरियड पे या फिर अडल्ट प्यूपल पीरियड पे बेसिकली ये लैंड पे आ जाते हैं स्विम करके। नटाडोरियल लेग्स मैंने आपको बताया था स्विमिंग के लिए होते हैं। तो ऐसे ही आप रिलेशन बिठाएं और लर्न करें। नेड्स जो होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, ये जो फ्लाइज होती हैं ये अपने अंडे जो हैं वो पानी में देती हैं। ठीक है, पानी में से हैच करने के बाद यंग वन आते हैं। अब अंडे पानी में दें तो ऑब्वियसली बात है कि जो यंग वन होगा वो भी पानी में ही आएगा सबसे पहले। पानी में आने के बाद उनको बोल दिया जाता है नेड्स। नेड्स भी क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। मैंने आपको बताया था टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, और एक्वेटिक वो होते हैं जो किस पर रहते हैं? पानी में रहते हैं। ठीक है, इनमें एक फ्लाई और होती है, डे फ्लाई। इनमें एक फ्लाई और होती है, डे फ्लाई। ये जस्ट आप लर्न कर लें कि डे फ्लाई जो होती है इसका सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, लाइफ साइकिल इसकी बहुत छोटी होती है, शॉर्टेस्ट लाइफ साइकिल। मतलब ये 10-12 दिन या 7-8 दिन में मर जाती है। ये रिप्रोडक्शन करके, एग्स वगैरह दे के 7-8 दिन में ये मर जाती है, इसलिए डे फ्लाई जो है इसका सबसे छोटा जो है पीरियड होता है। ये पूछा नहीं जाता, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़नी चाहिए, नॉलेज के लिए भी कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो ड्रैगन फ्लाई या डैम्सल फ्लाई के यंग वंस क्या हो गए? नेड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यंग वंस भी बता दिए। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन मोल्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मोल्टिंग का जनरल मैं आपको बता देती हूँ। मोल्टिंग क्या होती है? जो कोई भी इंसेक्ट होता है ना, जैसे हमने स्नेक्स को देखा है, वो अपनी स्किन जो होती है वो शेड कर देते हैं, झाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं अपनी स्किन को ऊपर से। ठीक है, ऐसे ही जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो भी अपनी स्किन को शेड करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे मोल्टिंग पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि भाई इनकी कितनी क्यूटिकल्स होती हैं। ठीक है, काइटेनियस हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा था, कितनी होती है, एक्सोक्यूटिकल को क्या बोलते हैं, एंडोक्यूटिकल को क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके की क्यूटिकल्स होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।
मैं कल की क्लास में आपको मोल्टिंग से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। आज मैंने एब्डोमेन को कंप्लीट किया है और इनके यंग वंस को क्या बोलते हैं अलग अलग इंसेक्ट्स के, वो कंप्लीट किया है।